और बहुत अच्छा पैराग्राफ देखिए, पैराग्राफ क्वेश्चन नंबर 26 से 28 तीन क्वेश्चन इसी पैराग्राफ पर भेजो, ध्यान सुनो। क्वेश्चन कहता है कंसीडर अ फंक्शन एफ एक्स, तो भाई साहब एक फंक्शन दे रखा है, क्या फंक्शन दे रखा है, 2/3 ln^3/2 sin x + cos x। पहला सवाल 26 क्वेश्चन कहता है द वैल्यू ऑफ दिस लिमिट, खतरनाक है। चलो 26 और रंग बिरंगे चौकों का इस्तेमाल करें, 26वां क्वेश्चन। चलो पहले 26 देखते हैं, वैल्यू ऑफ दिस लिमिट, आइए इस लिमिट की वैल्यू की बात करें। तो हमको इवेल्युएट करना है लिमिट x अप्रोचेस π/2, यहां पर दे रखा है ऊपर फंक्शन एफ एक्स, तो एफ एक्स की वैल्यू रख दो 2/3 ln^3/2 और यहां पर बेटे आ जाएगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स और नीचे आपके पास आ जाएगा π/2 ln^(3/2। चलो देखते हैं, यहां साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अंदर आ रहा है और यहां π/2 ln^(3/2 आ रहा है। खुशखबरी ये है कि ऊपर वाले की पावर भी 3/2 है, नीचे वाले की पावर भी 3/2 है। मैं तो क्या बोलता हूं, इसको हम लोग ऐसे लिख लेते हैं लिमिट एक्स अप्रोचेस पाई बाई टू, 2/3 तो बाहर पड़ा हुआ है, ln ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स और नीचे π/2 ln^(x) इस पूरे की पावर 3/2। आराम से अंदर वाले की लिमिट निकाल लेंगे, उसकी पावर 3/2 चढ़ा देंगे, 2/3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि जो लिमिटिंग वेरिएबल एक्स है वो केवल कहाँ है, केवल अंदर ही तो है और तो कहीं है नहीं। चलो कोशिश करते हैं, अंदर वाले को देखो, अगर एक्स पाई बाई टू जाएगा तो ln के अंदर वाली क्वांटिटी 1 जाएगी, अगर एक्स पाई बाई टू जाएगा ln के अंदर वाली क्वांटिटी 1 जाएगी, 1 क्योंकि साइन पाई बाई टू 1 हो जाएगा, इन कॉस पाई बाई टू 0 हो जाएगा। चलो देख लेते हैं, मैं तो क्या बोल रहा हूँ, सब्स्टिट्यूशन से शुरुआत करते हैं। एक्स को रख देते हैं π/2 ln^(h), यहाँ पर h अप्रोचेस बेहतरीन 0 हो जाएगा, 2/3 बाहर पड़ा ही हुआ है, ln साइन पाई बाई टू माइनस एच कॉस एच हो जाएगा और कॉस पाई बाई टू माइनस एच साइन एच हो जाएगा होल अपॉन एच रेज पावर 3/2। अब चाहो तो फंडामेंटली इवेलुएट कर लो, चाहे लॉपिटल भी लगा सकते हो, दोनों में से कोई भी तरीका लगा दो, अपन लोग लॉपिटल लगा लेते हैं। तो लिमिट एच अप्रोचेस 0, तो यहां निकल के आ गया 2/3। अब अंदर के अंदर लॉपिटल लगाओ तो ln का डेरिवेटिव 1 अपॉन कॉस एच प्लस साइन एच इंटू यहां आ जाएगा माइनस साइन एच प्लस कॉस एच होल अपॉन 1 और पूरे की पावर कितनी 3/2। चलिए इसको 0 रख दो, साइन 0 0 साइन 0 0 हो जाएगा, तो ये केवल कॉस एच अपॉन कॉस एच 1 हो जाएगा, तो कुल मिला के लिमिट केवल निकल के आ गई 2/3। एच को 0 रख देंगे तो अंदर वाली पूरी क्वांटिटी 1 आ जाती है। इसके ऑप्शंस भी अगर अपन देखें तो ऑप्शन अपने को दे रखे हैं 2/3 1 2/3, तो कुल मिला के इसका आंसर आ गया ए आगरा, और इसी पैराग्राफ पर बेस्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, आओ पैराग्राफ के सेकंड क्वेश्चन पर आ जाओ। पैराग्राफ के सेकंड क्वेश्चन में क्या है, एक खतरनाक फंक्शन जी एक्स बनाया गया है एफ एक्स की मदद से, और हम भूल ना जाए, मतलब मैं भी ना भूल जाऊं, आप भी ना भूल जाए, इसलिए मैंने एफ एक्स आपके लिए यहां लिख दिया है ताकि कोई दिक्कत ना हो। अच्छा क्वेश्चन जी एक्स, तो चलो पहले जी एक्स को डिफाइन कर लेते हैं। तो हम लोग यहां पर पहले जी एक्स को डिफाइन कर लेते हैं, ध्यान से जी एक्स को डिफाइन। क्वेश्चन में एक छोटा सा करेक्शन है, यहां पर पावर 3/2 है तो पावर 3/2 नहीं होगी, इस पूरे की पावर बेसिकली 2/3 होगी, तो उसको मैंने यहां करेक्ट कर दिया। अब सुनो ध्यान से, तो जी एक्स को आओ डिफाइन करें, पहले पार्ट में देखो 3/2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 हो जाएगा और ln की पावर 3/2 पूरे की पावर 2/3 हो भाई सब कट गई, तो आ जाएगी ln ऑफ, यहां आ जाएगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, कहां से कहां ये चीज आ गई 0 से π/2। आगे बढ़ते हैं, यहां देखो सेकंड पार्ट में, हाँ सेकंड पार्ट को देखो, एफ ऑफ एक्स माइनस पाई बाई टू है तो x की जगह x माइनस पाई बाई टू रखो, तो ये बनेगा साइन ऑफ x माइनस पाई बाई टू, तो माइनस साइन बाहर निकालोगे तो माइनस साइन पाई बाई टू माइनस x, साइन पाई बाई टू माइनस x कॉस x, तो माइनस कॉस x, और कॉस को तो खैर फर्क ही नहीं पड़ता, कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा सेम, तो कॉस पाई बाई टू माइनस x साइन x, तो यहां अंदर की क्वांटिटी बन जाएगी माइनस कॉस x प्लस साइन x। चलो अंदर की क्वांटिटी बन गई, ओके
3 by 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1 हो जाएगा, पूरे की पावर 2 by 3 चढ़ा देंगे, पावर भी गायब हो जाएगी। तो e की पावर में लिखा हुआ है, e की ये चुरी चीज e की पावर में है, तो e की पावर में क्या आएगा, e की पावर में निकल के आएगा ln ऑफ माइनस cos x प्लस sin x। और अगर आपको फंडामेंटल लॉगरिथमिक आइडेंटिटी याद हो, याद होगी, आप लोग इतने इंटेलिजेंट हैं, तो ये चीज आ जाएगी माइनस कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, तो और नीचे रूट टू से डिवाइड कर रखा है, तो यहां पर आ जाएगा माइनस कॉस एक्स प्लस साइन एक्स होल डिवाइड बाय रूट टू। और भाई साहब कहां से कहां यही चीज हमारी चलेगी पाई बाई टू से पाई। बड़ी मेहनत से हमने जी एक्स प्राप्त कर लिया। अब देन जी एक्स देखें क्या क्या ऑप्शन दे रखे हैं, तो यहां पर gx के लिए अब तो इसकी जरूरत है नहीं, इसको मिटा दें, बीच में गंदा सा लग रहा है, लीजिए मैंने गायब कर दिया उसको। हाँ भाई, तो एबीसीडी चार ऑप्शन है, टिक करना भैया कौन सा सही आओ देखें। ए ऑप्शन कंटिन्यूअस है x इक्वल टू पाई बाई टू पर, तो x इक्वल टू पाई बाई टू पर कंटिन्यूअस चेक करें, अगर यहीं पर हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट देखते हैं तो x पाई बाई टू डालेंगे तो cos पाई बाई टू जीरो sin पाई बाई टू वन ln वन जीरो, तो लेफ्ट हैंड लिमिट तो जीरो आ गई। अगर यहीं पर राइट हैंड लिमिट देखते हैं तो cos π/2 0 sin π/2 1 1 √2 आ गए, तो यार LHL RHL के बराबर तो है नहीं, तो कंटिन्यूअस होगा नहीं। बी ऑप्शन रिमूवेबल डिस्कंटिन्यूटी भी नहीं है, क्योंकि रिमूवेबल डिस्कंटिन्यूटी कब आती है जब LHL RHL के बराबर हो, तो वो भी नहीं है, तो हटा दो उसको। GX डिस्कंटिन्यूअस है जिसका जंप ऑफ डिस्कंटिन्यूटी √2 है। जंप ऑफ डिस्कंटिन्यूटी क्या होता है, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का डिफरेंस। तो यहां पर अगर आप जंप ऑफ डिस्कंटिन्यूटी की बात करें, इसका जंप ऑफ डिस्कंटिन्यूटी बेसिकली 1 बाय रूट टू है, तो सी ऑप्शन भी गलत, बचा एक ही, तो डी सही होगा, लेकिन फिर भी हैज नॉन रिमूवेबल डिस्कंटिन्यूटी। बिल्कुल पाई बाय टू पर नॉन रिमूवेबल डिस्कंटिन्यूटी है, क्यों है नॉन रिमूवेबल डिस्कंटिन्यूटी, क्योंकि एलएचएल आरएचएल बराबर नहीं है। तो भाई साहब डी। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, इस पैराग्राफ के थर्ड पार्ट को देखें, थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है, रेंज ऑफ जीएक्स, जीएक्स की रेंज निकालनी है, इसीलिए हमने gx को मिटारा नहीं है, यूज पड़ेगा। चलो gx की रेंज, रेंज निकालनी है यार gx की, लेकिन gx यहां खुद ही दो अलग अलग टुकड़ों में है, तो दोनों के अलग अलग रेंज निकाल के यूनियन ले लेते हैं। चलो जीरो से पाई बाई टू की बात करते हैं, अगर x की वैल्यू जीरो से पाई बाई टू में वेरी कर रही है, पहली रेंज की बात करो, या ln के अंदर लिखा है sin x plus cos x, बचपन में मैडम ने बताया होगा कि sin x plus cos x को रूट टू साइन x प्लस पाई बाय फोर भी लिख सकते हैं। देखो एक्सपेंड करो यही निकल के आ जाएगा। अब सोचो x अगर 0 से पाई बाय टू वेरी करेगा तो जो x प्लस पाई बाय फोर है वो आपका वेरी कर जाएगा पाई बाय फोर से पाई बाय टू, पाई बाय टू, तो पाई बाय टू प्लस पाई बाय फोर, तो पाई बाय टू प्लस पाई बाय फोर यानी कितना आ गया 3 पाई बाय फोर, तो वेरी कर जाएगा 3 पाई बाय फोर, जोड़ लिया अपन ने, तो अंदर वाला जो इनपुट एंगल है, अंदर वाला इनपुट एंगल थीटा वेरी कर रहा है पूरा पाई बाय फोर से थ्री पाई बाय फोर। अब मैं तो क्या कहूंगा, साइन का ग्राफ बना लो, आओ साइन का ग्राफ बनाए मिलजुल के। साइन के ग्राफ की अगर बात करें तो बेहतरीन ग्राफ निकल के आ गया, बहुत सही, ये आ गया जीरो, ये आ गया पाई बाई टू, ये आ गया पाई, लेकिन हमको जो अंदर वाला इनपुट एंगल है उस इनपुट एंगल का वेरिएशन केवल पाई बाय फोर से थ्री पाई बाय फोर तक है, पाई बाय फोर से थ्री पाई बाय फोर, तो यहां पर कहीं आएगा पाई बाय फोर और यहां पर कहीं पर आ जाएगा थ्री पाई बाय फोर। चलो बात करते हैं पाई बाय फोर से थ्री पाई बाय फोर, तो पाई बाय फोर से थ्री पाई बाय फोर अंदर वाला इनपुट एंगल हमारा वेरी कर रहा है, तो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स रूट टू साइन एक्स प्लस पाई बाय फोर। चलो इसकी बात करते हैं, अब बिल्कुल ध्यान सुनो, यहां पर अगर इनपुट एंगल यहां से यहां वेरी कर रहा है तो इसका अगर साइन की बात करें तो इसका साइन आपका वेरी करेगा वन बाय रूट टू से वन। भाई साइन ऑफ एक्स प्लस पाई बाय फोर ले लिया अपन ने, तो इस थीटा का साइन ले लेंगे तो पाई बाय फोर एंगल ग्राफ से देखो इंक्रीज करेगा फिर डिक्रीज करेगा, इंक्रीज करेगा फिर डिक्रीज करेगा, तो यहां पर वैल्यू पाई बाय फोर से थ्री पाई बाय फोर तक वेरी करेगी। ओके अब सुनते हो ध्यान से, तो यहां पर मैं कह सकता हूं कि साइन ऑफ एक्स प्लस पाई बाय फोर हमारा वेरी कर रहा है वन बाय रूट टू से वन,
one value ले लेगा, one value क्यों ले लेगा, one value इसलिए ले लेगा कि one value pi by 2 पर आ रही है, जबकि pi by 4 और 3 pi by 4 दोनों boundary है, तो वहाँ की value नहीं लेगा, तो root 2 से multiply कर दो, अगर आप root 2 से multiply कर देंगे, तो root 2 sin x plus pi by 4, ये यहाँ पर निकल के आ जाएगा root 2, yes, तो अंदर वाला angle आपका vary कर रहा है, ये वाली चीज vary कर रही है, 1 से root 2, तो log ले लें, ln ले लेंगे, तो वह ln 1 0 आ जाएगा, तो यहाँ पर ln ले लें, तो 0 से लेकर इस क्वांटिटी को यहाँ equal to sin नहीं आएगा, ln of sin x plus cos x, ln root 2, तो ये चीज आ जाएगी, ln root 2, ln root 2 का मतलब हो गया, half ln 2, तो ये वेरिएशन है 0 से, तो भैया पहले पार्ट की रेंज निकल के आ गई, यानी पहले पार्ट में gx का आपका वेरिएशन निकल के आ गया, कहां से कहां, 0 से half ln 2 तक, वैसे तो इसी से ऑप्शन क्लियर हो गया कि d ऑप्शन ही होगा, दूसरे पार्ट की रेंज बिल्कुल सेम वे में निकालेंगे, केवल हिंट दे रहा हूं आपको, यूज कर ले हिंट को, हिंट ये है कि sin x - cos x को आप लिख सकते हैं root 2 sin x minus pi by 4, जैसे similarly graph बना के proceed किया, वैसे ही proceed करेंगे, copy कर लीजिए।